तो राम राम जी। सुबह के बज गए 6 और देखे हमारा रूटीन हो गया शुरू। तो जी वी स्वर अनमोल कर रहे हैं एक्सरसाइज और चल मम्मी और बुआ जी कर लिए नाश्ते का इंतजार। तो गाइस 9:15 बज चुके हैं और बारिश का हो गया है मौसम, तो हवा के साथ बारिश भी आने के अनुसार हो रहे हैं। तो देखते हैं, बारिश का मौसम बन चुका है, बादल आ गए और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा चल रही है तो मैं कपड़े उतार लिए हैं, कपड़े उतार के डालूंगी कमरे में ही। तो गोसे भी सारे सिंगवा दिए हैं यहाँ से और चूल्हा भी उठा दिया है क्योंकि खाना भी किचन में ही बनाऊंगी। और कपड़े उतार कर रख दिए हैं खाट पर, तो अभी यहाँ पर तार डाल दूंगी और ये कपड़े यहाँ पर डालूंगी क्योंकि बारिश का मौसम तो बारिश का बन चुका है। जोरों से बारिश आने वाली है, कभी भी आ सकती है, हवा भी जोरों से आ रही है। तो गाइस बारिश हो गई है शुरू, तो देखो बूंदाबांदी तो होनी शुरू हो चुकी है। हाँ, गरम गरम सी बना दे, मन्नत तो बहुत बनवाई थी, मकला मक्की की रोटी खा लो। मैंने सोचा था मैं भिंडी बना, यहाँ पता चला गया बना रखा फिर गया तो ही खाई। हाँ भिंडी तो बड़े हैं क्या की बुआ मूली की। अच्छा मैं भिंडी के साथ खाई थी यार, भिंडी धरी थी और भिंडी हुई लगी भी फेंकनी पड़ी। बस माँ बैठ गई बड़े तरह मुँह मान लो पेट का एकदम बिल्कुल दिपिक मोबाइल मेरा सोचा जिक्र भी मम्मी बैठ गई थी। मैंने सोचा मुझे माँ बोल तो बात कर रही थी, अब जो एकदम से क्या हो गया। अब मैंने जब पकड़ का माँ को हलाई खूब जोर जोर करी, मुझे माँ तुझे क्या हो गया। अरे माँ ऐसे क्या गया मुझे कल के मानने की तो यही मुझे लाकर गई थी सारी को जब क्या गया। अरे कंचनी पहली बार तो आराम करना लेने बैठी थी और मुझे गाय हला कर गई थी ले ले आराम करना मैंने मगर मुझे क्या हर पता मैं तेरे सोच लिया तो ठीक बैठी थी जल्दी तुम खुद लेकर वो माँ सारा हाथ पाँच बेटा ये ले लेते तुम कुछ के बस सुन ली। तो लगा दिया है बल्ब और अब बनाऊंगी मैं खाना खिचड़ी। खिचड़ी छोकर क्योंकि ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा दिया बच्चों ने, तो ये क्योंकि समझ में नहीं आया था मैं क्या बनाऊं, तो मैं सोच रही थी बैठ खड़ी कि मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तोरी तो बच्चे नहीं खाने की, दाल बनाई वो नहीं खाने के, चावल बनाई वो नहीं खाने की, अंश निकाल लगे मम्मी तो छोकर खिचड़ी बना ला मेरे पास सही आइडिया। तो इसलिए मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च निकाल लिया, चावल रख दिए हैं साफ करने के लिए, आलू लेकर आऊंगी और मम्मी के लिए बनाऊंगी रोटी क्योंकि मम्मी तो आज मिठाई खाओगी इसलिए तभी हो। आज बनाऊंगा हम साबूदाने खीर क्योंकि साबूदाना हमने भिगो कर रख दिया, ये रख दिया दूध में भिगो कर साबूदाना और 12 दूध रखा पकड़ने के लिए। साबूदाना तो मैं इसमें फूल जाएगा और 12 पकाना रखा दूध, इसलिए पहले कर लूँ चावल साफ। पापी लोग ना रहते हम तो पापी हैं। पापी हैं तो पापी तो रहने चाहिए कि मेरा पापी हो जाएगा। अरे पापी हम तो पापी ठीक है, कर देगा रही हूँ मेरे साथ में हैं कर देगा बच्ची डालोगे ना साफ साफ इनकार रोटी
मेरे बड़ी आ रही मेरे बड़ी आ रही दिखा दे मीट डाल दो क्या वो दीज रहे भी थे अब आलू गिर उसमें मोटे मोटे रहता खिचड़ी में सोई लगे ना टमाटर खाई गई हटा वो खा गए आलू देखा उसमें कितनी गिर मंदिर के अंदर हटाए तरफ अरे